गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तावर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश, प्रेजेंटली जो है मैं वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय बुढ़ा में पदस्थापित हूँ। और इस कोरोना काल के कारण जो पढ़ाई हम फेस टू फेस नहीं हो पा रही, वीडियो के माध्यम से हो रही है, उसी कड़ी में जो आज का जो वीडियो है वो है बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य विषय को चुना है, उनके पेपर फर्स्ट में जो पोएम है जिसका टाइटल है द पुली, जिसको लिखा गया है कवि जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा, उसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपने बार बार कहा कि हिंदी में बनाओ, इसलिए एक ही क्वेश्चन के दो वीडियो बनाए जा रहे हैं, पहला हिंदी में और फिर उसी पर्सन को फिर दोबारा इंग्लिश में भी बनाया जा रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है आज का, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, वो टॉपिक है क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द पुली बाय जॉर्ज हर्बर्ट। अब शुरुआत में इंट्रोडक्शन टू द पोएट से अगर बात करें तो जो कवि है इसका वो है जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट का जन्म 1593 में और मृत्यु 1633 में हुई, यानी कि ये कह सकते हैं कि वो समकालीन था जॉन डन और रॉबर्ट हेरिक। जॉन डन एक प्रसिद्ध कवि है, एज ए लव पोएट हमने उसकी कई कविताएं पढ़ी है, और तो और वो एक मेटाफिजिकल कवि के रूप में प्रसिद्ध है और दूसरी चीज कंसीट के लिए प्रसिद्ध है। तो इस पोएट को समझने के लिए, क्योंकि सारी पोएम ही कंसीट पर आधारित है, मुझे आपको कंसीट बता दूं, उससे के बाद हम आगे चलेंगे। कंसीट भी एक तरह की इमेज होती है, लेकिन इसमें कंसीट में जो कंपैरिजन किया जाता है एक चीज से दूसरी चीज में, उनमें समानता कम और असमानता ज्यादा होती है। जैसे उदाहरण के लिए कवि कंसीट का इस्तेमाल करता है एक मच्छर के लिए, द फ्ली एक पोएम है। उस फ्ली में क्या है कि कवि ये कहता है कि जो मच्छर है, पहले उसने प्रेमी को काटा, उसका खून मच्छर की बॉडी में गया, फिर उसने प्रेमिका को काटा, तो प्रेमिका उसको मारना चाहती है, तो प्रेमी कहता है बोले नहीं, इसको मत मारो, क्योंकि मच्छर की जो बॉडी है उसमें मेरा और तुम्हारा खून मिल गया है, यानी कि हमारी शादी हो गई है, और ये एक मंदिर है, अगर आपने इसको तोड़ा तो ये मंदिर होगा, कब विनाश होगा, इस प्रकार उसकी तुलना करता है। तो अगर हम देखें तो इसमें समानता कम असमानता ज्यादा आती है। एक और उदाहरण से समझाता हूँ कंसीट कि जॉन डन जो है वो विदेश जा रहा है, उसकी पत्नी जो है देश में रहेगी, तो वो अपने को समझाने के लिए कंपास का इस्तेमाल करता है, कंपास प्रकार जिससे आप सर्कल बनाते हैं। वो कहता है कि तुम तो फिक्स्ड फुट हो जो कि देश में रहोगी, और मैं मूविंग फुट हूँ कंपास का जो कि विदेश में जा रहा हूँ, अगर तुमने जरा सी भी गड़बड़ की मेरे पीछे से तो हमारा जो सर्कल है वो सही नहीं बनेगा, सर्कल गड़बड़ हो जाएगा, यानी जीवन बर्बाद हो जाएगा, हमारा जीवन समूथ नहीं रहेगा। तो ये जो तुलना की गई इसको बोलते हैं कंसीट, यानी समानता कम और असमानता ज्यादा, यानी कि प्रेमी और प्रेमिका की दोनों की तुलना किससे की, टू फीट ऑफ कंपास से की। तो ऐस उस दौर में जिसमें ये कंसीट लिखने का एक फैशन था, उस दौर में ये हुआ, और क्योंकि ये ही वाज़ क्लर्जी मैन, रिलीजियस प्रोफेट कह लीजिए, पादरी कह लीजिए, पादरी था, तो उसने ज्यादातर धार्मिक कविताएं ही लिखी है। और जिस भाषा का जो इस्तेमाल करता था वो कन्वर्सेशन, जो वार्तालाप में डिक्शन जो यूज करते हैं, रिदम जो यूज करते हैं, उसी का ज्यादा इस्तेमाल करता था, मतलब सामान्य सी आम बोलचाल की सी भाषा में उसकी कविताएं होती थी, लेकिन वो देखने में सिंपल होती थी, लेकिन अंदर से उनमें गहराई होती थी, अर्थ छिपा रहता था। वे हमें जॉन डन की याद दिलाती थी, क्योंकि जॉन डन के काल में हुआ था, और उसकी जो कविताओं में स्ट्रेंज इमेजेस और कंसीट्स पूर्ण मात्रा में उपयोग में लाई जाती थी। अब आते हैं पोएम के बारे में। जो पोएम है ये जॉर्ज हर्बर्ट की, ये एक रिलीजियस मेटाफिजिकल पोएम है, और मुख्य रूप से जो पुली की जो कंसीट है उस पर केंद्रित है।
जो पुली की जो कंसीट को मैं समझा दूं कि जो पुली जो होती है एक चक्री समझ लीजिए, इस पर रस्सी डालकर पानी या कोई चीज भारी चीज खींच लेते हैं, इसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो चीज अपने आप हम थोड़ी सी ताकत से ही अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो यहाँ पर जो पुली है वो किस चीज की है, रेस्टलेसनेस की, बेचैनी की है। कहते हैं ना दुख में सुमरन सब करे सुख में करे ना कोई, भगवान का वही हुई जो सुख में करता है उसको तो दुख हो ही नहीं सकता। तो कवि यहाँ पर दुख को जो है, वेरीनेस को जो है पुली के रूप में करता है। दुख के कारण आदमी किसकी ओर भागेगा, परमात्मा की ओर भागेगा। और जो कि अगर सब कुछ सुख हो गया आदमी के जीवन में तो आदमी दूर हो जाएगा। तो इसी मुख्य आइडिया पर ये पोएम आधारित है। तो इस पोएम में जो कवि है वो एक बहुत ही कटु सत्य अनवेल यानी ओपन हमारे सामने रखना चाहता है कि मानव जो है क्यों इतना बेचैन रहता है, क्यों असंतुष्ट रहता है सब कुछ होने के बावजूद भी। जैसे क्रिश्चियन माइथोलॉजी में भगवान ने जो जो किस प्रकार दुनिया को बनाया, आदमी को बनाया, उसी चीज को रिटेल कर रहा है इस पोएम में। और खास करके उस भाग को जिसमें मानवता को भगवान ज्ञान दे रहा है, बुद्धि दे रहा है, सुंदरता दे रहा है, शक्ति दे रहा है, वहां से शुरू करता है। ये जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है आदमी के अस्तित्व के लिए, और यहाँ से ही जो सब कुछ भगवान ने आदमी को कह लीजिए सुख शांति से जीने के लिए ये सब चीजें दी। लेकिन सब चीजें तो दी, लेकिन भगवान ने अपने एक चीज को रख लिया, अपने उस देने वाले जो बर्तन था जिसको ग्लास कह लीजिए, कप कह लीजिए, उसमें एक चीज रख लीजिए, वो रखा उसने रेस्ट को। वो क्यों रखा, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी जो रचना है यानी मानव जो है उसके नजदीक रहे, इसलिए इस चीज को उसने मानव को नहीं दी। क्योंकि जब आदमी दुखी होता है, परेशान होता है, तो भगवान की ओर जाता है, और यही उसकी रीजनिंग है। वो चाहता था कि भगवान को प्रशंसा करे, भगवान की पूजा करे आदमी, न कि भगवान के द्वारा बनाई हुई नेचर को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे। अब आते हैं पोएम पर। द स्पीकर जो पोएम का है वो किस प्रकार मानवता की रचना हुई उसका वर्णन से शुरू करता है और रिटेल करता है। क्रिश्चियन स्टोरी है जो क्रिएशन की, उसमें थोड़े बहुत अपनी डिटेल्स भी डाली है उसने। कवि कहता है कि भगवान के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या थिंकिंग और फीलिंग थी जब उसने आदमी को बनाया। गॉड ने देखा कि आदमी बनके तैयार है और उसकी सारी ब्लेसिंग्स जो चीजें आदमी के जीवन को खुशहाल बना देती वो एक ग्लास में इंतजार कर रही थी कि भैया सब चीजें इस ग्लास में है, भगवान की उसमें है, स्टैंड बाई पर बोर्ड पर है, मतलब रेडी टू एक्ट है, अगर जरूरत पड़ी तो वो दे सकते हैं, और कि भगवान की पहुंच में सब चीजें हैं ये कहना चाहिए, और उसको भगवान को आदमी को देना है। और ये चीजें जो है भगवान देना शुरू करेगा, एक एक चीज करके देगा और एक चीज रोकेगा, जो कि उसको सेकंड थॉट यानी पुनर्विचार जो करेगा भगवान, तब वो इस सब चीजों पर रोकेगा। तो पहली चीज जो कवि है, कवि के शुरुआत करता है कि जो भगवान ने सारी यूनिवर्स बना ली, सारी चीजें तैयार कर दी, सब चीजें एक ग्लास में एकत्रित की और मानव को देने के लिए तैयार था। तो शुरुआत उसने देने की शुरुआत की, पहली चीज दी शक्ति, जिससे कि आदमी स्ट्रॉन्ग बन गया, जिससे वो सर्वाइव कर सके। फिर एक एक करके सब चीजें उसने दी, सबसे पहले फिर उसके बाद स्ट्रेंथ के बाद ब्यूटी दी, जिससे उसका आकर्षण बढ़ा रहे, विजडम दी, बुद्धिमता दी, ऑनर सम्मान दिया, प्लेजर दिया, और बहुत सारी चीजें भगवान ने एक एक कर सब आदमी को दी। जब ऑलमोस्ट ऑल गॉन, मतलब सब कुछ खाली होने वाला ही था वो ग्लास, तभी भगवान ने देखा कि बॉटम में एक ही चीज रखी बची हुई है और वो है रेस्ट, आराम। तो भगवान ने उस चीज को रोक लिया, भगवान ने उस चीज को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि भगवान को इस बात का कह लीजिए एहसास था कि अगर ये भी चीज मैंने उसको दे दी, अगर ये चीज मैंने मानव को दे दी, तो हम दोनों ही लूजर हो जाएंगे। मैं तो भगवान को कुछ फायदा होगा इससे,
और न मानव को होगा। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ मिल गया आदमी को तो आदमी भगवान को भूल जाएगा और वो प्रकृति की चीजों में ज्यादा रुचि रखेगा, न कि भगवान में, गॉड ऑफ नेचर में। तो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो रेस्ट है वो ऐसी चीज इक्वल माना गया जो ब्यूटी और स्ट्रेंथ के, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये। इट इज नॉट समथिंग दैट वन माइट इमीडिएटली थिंक ऑफ एज ए फीचर ऑफ लाइफ दैट कैन बी गिवन और ग्रांटेड, क्योंकि रेस्ट के बारे में कोई सोचता ही नहीं, परंतु इसमें तो ये ट्रेजर है। ये तो रेस्ट जो है मामूली चीज नहीं, बल्कि एक ट्रेजर हाउस है, खजाना है। और भगवान इस चीज को इतना इंपॉर्टेंट मानता है कि और सब चीजें दे देता है और इस चीज से मानव को वंचित कर देता है। तो अब देखिए क्या होता है, यानी ये भगवान की इच्छा थी। इट वॉज द डिजायर ऑफ गॉड नॉट टू गिव रेस्ट टू ह्यूमैनिटी। ही न्यू दैट इफ ही डिड सो दैट ही वुड एडोर माई गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ मी। माई गिफ्ट्स का मतलब भगवान के द्वारा बनाए चीजों की तो पूजा करेगा आदमी, भगवान की नहीं करेगा। और भगवान ये सोचता है कि ये चीज उचित नहीं होगी, क्योंकि वो चाहता है कि जो उनकी जो नेचर के ऊपर खर्च न करे आदमी, बल्कि गॉड ऑफ नेचर को अप्रिशिएट करे। ये भगवान का टारगेट था और इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए उसने ये चीज रोक ली। रेस्ट इज नॉट समथिंग दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, अभिन्न हिस्सा तो नहीं है। एंड गॉड मेड एन इन्फॉर्म एट लीस्ट टू हिम द चॉइस टू विदहोल्ड इट, यानी कि रोकने का चॉइस भगवान ने इसको आखिरकार बना लिया, निर्णय ले लिया। और जो हमारा जो स्पीकर है इस कविता का, जो नरेटर है, वो फिर गॉड्स रीजनिंग बिहाइंड हिज चॉइस नॉट टू गिव ह्यूमैनिटी ए कंप्लीट लाइफ ऑफ रेस्ट, क्या रीजन देता है? ही डज नॉट वांट ह्यूमैनिटी टू नेवर रेस्ट बट देयर शुड बी डिफरेंट पीरियड्स। मतलब वो कहता है कि ये नहीं चाहता था भगवान की हमेशा आराम करे, बल्कि अलग अलग समय पर भगवान आदमी को रेस्ट दे। इट इज आइडियल फॉर एवरी वन टू रेस्ट ओनली अंटिल दे फील रेस्टलेस। मतलब आदमी जब बेचैन हो तब तक आराम करे, फिर थोड़ा सा सही करे, फिर वे काम करे, उससे के लाइफ वापस जाए। God believes that if there is a weariness in one's everyday life, then that feeling of exhaustion will toss humankind to his rest. तो जब weariness होगी, थकान होगी, तो भगवान अपने आप भगवान उसकी ओर जाएगा। These different periods of activity, exhaustion, rest, rejuvenation, मतलब energy दोबारा भर जाना, are just as integral to human existence as our strength and wisdom. It seems that Herbert's God had chosen to add them for a reason that appears entirely selfish though. तो भी ऊपरी तौर पर स्वार्थी लगता है भगवान कि अपनी प्रशंसा करवाने के लिए, पूजा करवाने के लिए मानव को इतने बढ़िया अच्छे गिफ्ट से वंचित कर दिया। It is not clear, और इस साथ ये भी स्पष्ट नहीं होता, at least though these few lines of reasoning, how weariness helps humanity, aside from forcing them to closer to God, की weariness से भगवान के पास जाएगा, इससे इन लाइनों से तो ये क्लियर ये भी नहीं होता। एनीवे कवि यही कहना चाहता है कि वीरिन होगा, परेशान होगा, परेशान होगा भगवान को याद करेगा, भगवान के पास जाएगा। अब आता है इसकी एप्रिसिएशन करें तो हम देखते हैं पोएम जो है चार स्टांजा से बनी हुई, सिमिलर कंस्ट्रक्शन है। इन ईच स्टांजा द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइंस आर शॉर्ट, आयम्बिक ट्राइमीटर है। ट्राइमीटर मतलब सिक्स सिलेबल्स that are 3 metrical feet or iambs per line. The 3 middle lines are broadly iambic pentameter or pentameter with the syllable ki hai, that are with 5 metrical feet or per line. There is a regular A, B, A, B, A rhyme scheme throughout. So, bhi char stanza mein A ki rhyme scheme hai, pehli line, third line, paanchvi line rhyme kar rahi hai. The opening line works as an introduction to the next stage of Herbert's argument. Middle section expands it and the final line concludes or provides the twist. पांचवी लाइन में वो बात किया जाता है। The voice is that of a third party narrator. जो वक्ता है, जो इस poem को बोल रहा है, वो third party लग रहा है, speculating on God's thoughts when creating the world. कि जो अनुमान लगाता है भगवान के दिमाग में क्या
चल रहा हुआ जब उसने परमात्मा ने दुनिया बनाई। द टोन जो है वो थॉटफुल है, इंटेलिजेंट है, एंड द कंसीट और मेटाफर जिसको दैट पुली दैट ड्रॉज ह्यूमंस टू गॉड इज इन्वेंटिव और ओरिजिनल है, मौलिक इस्तेमाल है। इसके अलावा द पोएट हैज मेड यूज ऑफ सेवरल लिटरेरी डिवाइसेस, कोई भी कवि हो अपनी भाषा को कविता को सुंदर बनाने के लिए इनका प्रयोग करता है, उसने भी किया है। और ये केवल सीमित नहीं है एलिट्रेशन मेटाफर और इमेजरी तक, लिटरेरी सीन थ्रू द क्रिएटिव इमेजेस दैट हर्बर्ट डिस्क्राइब्स ऑफ द लाइटली पर्सनिफाइड फोर्सेस मेकिंग देयर वे आउट ऑफ द गॉड्स बिलोंगिंग एंड इनटू मैनकाइंड, जो देखने को मिलता है। द लास्ट रेस्ट ले ऑन द बॉटम व्हेन ऑल द रेस्ट ऑफ द ट्रेजर्स हैड डिपार्टेड, मतलब सब चीजें चली गई केवल रेस्ट बचा। Alliteration is a common technique that helps to increase the overall rhyme and rhythm of a poem. For example, let and lie in the line 4 of the first stanza, as well as the repetition of nature in the stanza 3. ये सब क्या है? ये सब example है alliteration का. Throughout this poem, जैसा कि बताया गया introduction में, Herbert जो है metaphysical conceit का इस्तेमाल कर रहा है. ये जो technique है कम metaphor की मोर कॉम्प्लेक्स और ओरिजिनल है थोड़ी सी नेचर में। हर्बर्ट जो है पुली को डिस्क्राइब करता है कि आदमी का और भगवान या उसका धर्म का रिश्ता बताने के लिए, यानी कि पुली बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इन कंक्लूजन निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि ये जो पोएम है द पुली, ये किस की भगवान आदमी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है या किसकी पुली से, रेस्टलेसनेस से, बेचैनी से। यानी पुली एक वो शक्ति होती है जिससे कोई भी चीज आप अपनी ओर खींच सकते हैं, उसी प्रकार रेस्टलेसनेस से पुली की तरह है जो कि आदमी को भगवान की ओर जाने को मजबूर करती है। दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन एक्सप्लेन बाई ए कॉन्सीट, कंसीट किस है, कंसीट रिवॉल्व्स अराउंड द पुली, द पोएट हैज यूज्ड इट टू डिपिक्ट humanity's restless nature and the reason why human beings are incapable of being satisfied. कि आदमी असंतुष्ट क्यों रहता है, ये भी बताने की कोशिश की गई है सफलतापूर्वक। When considering this conceit, think about the way that a pulley creates force and leverage. God kept rest to himself in order to always be able to pull mankind back. यानी इस प्रकार हमारे पास पुली होती तो उससे हम खींच लेते हैं भगवान के पास, वेरीनेस की पुली है, रेस्टलेसनेस की पुली है, उससे वो आदमी को अपने ओर खींच लेता है। बट दिस चॉइस मीन्स ह्यूमैनिटी इज कंटिन्यूअली रनिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सीकिंग आउट सेटिस्फेक्शन, भी आदमी एक स्थान दूसरे स्थान भागता रहता है संतुष्टि के चक्कर में। द पोएम एग्जिबिट्स ए स्ट्रेंज बट टू वे रिलेशन बिटवीन गॉड एंड द वर्शिपर, दो तरह का जो रिश्ता है उसको दिखाया गया है। और कवि ने अपना जो उपलब्धि है, जो अचीवमेंट है, बड़े मास्टरली ढंग से प्राप्त की है। थैंक यू।